तब करेंगे हम रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स। रेन एंड मैन की जगह रेन एंड वुमन भी हो सकती है, तो ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं दें, एक ही बात है। हम कर रहे हैं रेन मैन प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स में तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें से पहला वेक्टर होता है वी आर वेक्टर। यह है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी। दूसरा वेक्टर होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है या वुमन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। तीसरी वेलोसिटी यह इन्वॉल्व होगी वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ऐसे तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन तीनों में रिलेशनशिप क्या होता है, तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन से आप जानते हैं वी आर एम, वी आर एम वेक्टर ये होगा वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। ये इक्वेशन हमको यूज करना है। एक प्रॉब्लम करेंगे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, अ वुमन राइड्स अ बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला। क्या क्या दिया हुआ है, रेन की वेलोसिटी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब वी आर इज गिवन। दूसरा वुमन की स्पीड दी है 10 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब वी एम इज ऑल्सो गिवन, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ वुमन, क्योंकि यहाँ वुमन बोला हुआ है, तो वी डब्ल्यू इज ऑल्सो गिवन। हमको बोला है कि उसको रेन से प्रोटेक्शन के लिए अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए, तो टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम द रेन शी शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन, उस डायरेक्शन में उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। मतलब हमको डायरेक्शन पता करना पड़ेगा इसका, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमन, और ये कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ वुमन। मतलब ये दो वेक्टर्स यदि मालूम है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन से आपको इसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगी। मैग्नीट्यूड हालांकि पूछा नहीं हमसे, सिर्फ डायरेक्शन पूछा हुआ है। तो एक वेक्टर डायग्राम बना लेंगे, वी आर कहाँ है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स और उसका मैग्नीट्यूड है 30 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ये डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं नॉर्थ है और ये है साउथ, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ये मैंने शो कर दिया वेलोसिटी ऑफ रेन, और वुमन की वेलोसिटी कहां से कहां है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में जा रही है वो वुमन विद वेलोसिटी वी डब्ल्यू। अब हमको तो चाहिए वी आर डब्ल्यू, उसके लिए क्या करते हैं, वी आर में से वी डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वी आर में से वी डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, वी डब्ल्यू का एक ऑपोजिट वेक्टर लेंगे, ऐसा वेक्टर लेंगे जिसका मैग्नीट्यूड वी डब्ल्यू के बराबर हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ऐसे वेक्टर को वी आर में ऐड कर देंगे। तो ये है वी आर वेक्टर, एज इट इज रखेंगे, इसका नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे, मतलब इधर माइनस वी डब्ल्यू, ये हो गया माइनस वी डब्ल्यू, और अब इन दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। ये रखे हुए हैं टेल टू टेल, पैरेललोग्राम लगाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा, दिस इज वी आर डब्ल्यू। आपको मान लो डायरेक्शन चाहिए सिर्फ, तो ये एंगल फाइंड कर देना है, और यदि आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा वी आर डब्ल्यू का, तो क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वी आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वी डब्ल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विच इज 90। तो कॉस 90 जीरो होकर अंडर रूट ऑफ वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि अभी हमें मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, हमको तो ये डायरेक्शन बतानी है, इसी डायरेक्शन में उस वुमन को अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्शन हमको बतानी है, वर्टिकल से ये एंगल या हॉरिजॉन्टल से एंगल बतलाना है। ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है, तो कोई भी एक एंगल फाइंड कर सकते हैं। मान लो ये चाहिए हमको टेन अल्फा, अब डायग्राम तो बन ही गया है, टेन अल्फा कितना होगा, टेन अल्फा विल बी परपेंडिकुलर विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, वी आर इज 30 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी डब्ल्यू विच इज 10, तो अल्फा विल बी 10 इनवर्स 3, ऐसा बताया जा सकता है। ये एंगल हमने कहां से बताया, ये एंगल बताया हमने हॉरिजॉन्टल से, पर हम वर्टिकल से यदि एंगल बताना चाहते हैं तो 10 बीटा बताएंगे हम, 10 बीटा, और 10 बीटा कितना होगा, 10 बीटा होगा परपेंडिकुलर विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ वी डब्ल्यू दैट इज 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर मतलब 30
यानी 1/3 यानी शिशु ढोल हर अम्ब्रेला एट एन एंगल बीटा विच इज टेन इनवर्स 1/3 और ये एंगल कहां से, ये एंगल वर्टिकल से, तो वर्टिकल से बीटा एंगल पर उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, ये इसका आंसर है। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला 30° विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। इस पहले स्टेटमेंट से क्या समझना है कि एक आदमी रोड पर खड़ा हुआ है और रेन से बचने के लिए उसे अपने अम्ब्रेला को वर्टिकल से 30° के एंगल पर होल्ड करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स हमको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का डायरेक्शन, क्योंकि मैन स्टैंडिंग पोजीशन में है या स्टैंडिंग कंडीशन में है। रनिंग मैन के करस्पॉन्डिंग जो होता है वो होता है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, पर ये जो बताया हुआ है ये है वेलोसिटी ऑफ रेन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डायरेक्शन, मतलब रेन वर्टिकल से 30° के एंगल पर फॉल हो रही है। आगे बोला हुआ है ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 km/h, वो अम्ब्रेला को फेंक कर 10 km/h की स्पीड से भागने लगता है। ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, तब उसे रेन ड्रॉप्स उसके हेड पर वर्टिकली हिट होती हुई महसूस होती हैं। तो ये क्या दे रखा है 10 km/h, ये है मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और VRM मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन उस वेक्टर का डायरेक्शन दे रखा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हमको बताना है स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड एंड द मूविंग मैन, तो इन तीनों वेक्टर्स में रिलेशनशिप क्या है, तो आप जानते हैं कि VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, या तो ये याद आ जाए आपको और या फिर ये याद आ जाए कि VR वेक्टर होता है VRM वेक्टर प्लस VM वेक्टर। ये यदि याद आ जाता है तो आप एक वेक्टर डायग्राम बना लेंगे जैसा मैंने यहां बना रखा है। सबसे पहले दिखाएंगे रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो शो करेंगे सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर VR वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कहां पर है, वो है वर्टिकल से 30° के एंगल पर, ये हो गया VR वेक्टर, ये है VR वेक्टर। और फिर क्या करेंगे, थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 km/h, तो ये मान लेते हैं कि टुवर्ड्स राइट रन करता है वो, तो ये हो गई वेलोसिटी मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VM वेक्टर। और तीसरा वेक्टर कौन सा होगा, VRM जो से वर्टिकली डाउनवर्ड्स फील होता है, रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, यहाँ लिखा हुआ ही फाइंड्स दैट द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, यानी ये है VRM वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और ये जो हमारा डायग्राम है इस इक्वेशन से भी कंसिस्टेंट है, आप देख रहे हैं कि VR ये रिजल्टेंट और ये दोनों हैं उसके कंपोनेंट्स VRM और VM। अब VM का हमको मैग्नीट्यूड पता है वो कितना है 10, तो इस वेक्टर डायग्राम के बेसिस पर आप क्या लिख सकते हैं, इस VR का इधर कंपोनेंट क्या होगा, जैसा मैंने अभी कहा कि VR के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, VR वेक्टर इज VRM प्लस VM, VRM क्या है उसका y डायरेक्शन का है, वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट, और ये उसकी VM जो है ये है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट, VR हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो VR का इधर कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा VR cos 30, VR का मैग्नीट्यूड टाइम्स sin 30, cos 30 नहीं sin 30, क्योंकि इधर एंगल 30 बताया हुआ है, तो इधर हम लिखेंगे VR sin 30 और इसको इक्वेट कर देंगे किसके साथ में, 10 के साथ, VR का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो VR का इधर कंपोनेंट आएगा VR sin 30, इसको 10 के साथ आप इक्वेट करेंगे वैसे ही आपको VR मिल जाएगा, VR कितना हो जाएगा, sin 30 हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर VR आ गया 20 और यूनिट्स क्या चल रही है km/h, यानी VR इज 20 km/h इन मैग्नीट्यूड, यानी ये आ गई आपके पास स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, ये पहला आंसर हुआ। अब VR का इधर कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा VR cos 30, cos 30 और वो किसके बराबर होगा, VR cos 30 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VRM, ऐसा होगा। अब VR आपको पता लग गया है 20 और cos 30 होता है √3/2 इज इक्वल टू VRM,
आपको वी आर एम भी मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा 10√3 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हुए। हमने क्या फाइंड किया, स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रोड ये है, और मूविंग मैन के रेस्पेक्ट में रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 10√3 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर्स हुए। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 4.33। इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको समझना चाहिए। अ गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन। इस पहले स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि वो गर्ल एक बाइसिकल राइड कर रही है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, और उसे रेन अपियर होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल होती हुई। ये सिचुएशन मैंने यहाँ शो कर रखा है, इस डायरेक्शन को मैंने नॉर्थ रिगार्ड कर लिया है, और ये है स्पीड ऑफ गर्ल, कितनी है वो 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वीजी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ गर्ल का मैग्नीट्यूड। ये है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है वीआरजी। ये डायग्राम कैसे आप बनाएंगे, तो आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह की इक्वेशन आप तो बना ही लेंगे। वी आर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, ग्राउंड नहीं है गर्ल है, क्योंकि यहाँ गर्ल वाला केस है, इसको स्मॉल जी कर लेते हैं। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल प्लस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, इसमें से ये दोनों वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है और ये है रिलेटिव ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो ऐसे इक्वेशन जब आप बना लेंगे तो ऐसा डायग्राम भी आपसे बन जाएगा। नॉर्थ में आपको दिखा देना है वेलोसिटी ऑफ गर्ल का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड, और बोला हुआ है कि रेन उसे अपियर होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल होती हुई। तो यह है वी आर जी, यहां भी स्मॉल जी कर देते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा, ग्राउंड नहीं है बल्कि है विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। तो इस डायग्राम को आप बना लेंगे, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रेन, क्योंकि वी आर जी और वी जी का रिजल्टेंट है, तो उसको कहीं बीच में ही अपियर होना चाहिए। तो इसको एंगल अल्फा पर हमने सपोज कर लिया है कि यह है वी आर। ये डायग्राम आप बना लेंगे इस पहले वाले स्टेटमेंट के बेसिस पर। आगे बढ़े, इफ शी इंक्रीजेज हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड रेन अपियर्स टू मीट हर एट 45 डिग्री टू द वर्टिकल। जब अपनी स्पीड दुगनी कर लेती है 10 मीटर पर सेकेंड, तब रेन अपियर होने लगती है उसे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द वर्टिकल, जो सिचुएशन मैंने यहां शो करा है। अब वीआर वेक्टर तो जैसा था वैसा ही रहेगा, ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब किसी ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है उसको ये इसी डायरेक्शन में अपीयर होगी, पर क्योंकि गर्ल ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली है तो विद रिस्पेक्ट टू गर्ल वेलोसिटी उसे अपीयर हो रही है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द वर्टिकल। ये एंगल भी अभी भी अल्फा ही रहेगा, वीआर का डायरेक्शन सेम रखना है। ऐसा डायग्राम बना लेंगे। अब इस सिचुएशन से रिलेटेड एक इक्वेशन हम पहले बना लेते हैं, उसके भी पहले ये जान लेते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब वीआर का मैग्नीट्यूड। इन व्हाट डायरेक्शन डज द रेन फॉल एज ऑब्जर्व बाय द ग्राउंड बेस्ड ऑन बेस्ड ऑब्जर्वर, ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वर मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको चाहिए, मतलब स्पीड और उसकी डायरेक्शन चाहिए, यानी हमको वीआर वेक्टर फाइंड करना है कुल मिलाकर। अब इस इक्वेशन या स्टेटमेंट वन उससे रिलेटेड डायग्राम के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन बना लेते हैं। इस वीआर का इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो वो होगा वीआर मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन का मैग्नीट्यूड साइन अल्फा, क्योंकि क्या एंगल हमने अल्फा सपोज किया है। वीआर का इधर इधर रिजॉर्ट पार्ट या कंपोनेंट वो है वीआर साइन अल्फा इक्वल्स टू 5। ऐसी इक्वेशन वन बनाकर रख लेंगे, क्या क्या हमें काम आएगी। अब हमने इस डायग्राम में क्या किया है, तो हमने एक लाइन ओ एक्स ड्रॉ की है, कैसी है वो वी आर की 90 डिग्री के एंगल पर। फिर क्या करेंगे, इस वी आर का इधर कंपोनेंट लेंगे और 10 मीटर पर सेकेंड का भी इधर कंपोनेंट लेकर उनको इक्वेट कर देंगे। तो 10 मीटर पर सेकेंड का इधर कंपोनेंट निकालने के पहले ये एंगल पता करना पड़ेगा कि ये कितना है। तो ये एंगल यदि 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये 45 भी होगा और इसलिए ये एंगल भी 45 है। 10 मीटर पर सेकंड का अलोंग ओएक्स कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos 45, और इसे इक्वेट कर देंगे वीआर के ओएक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट के साथ में। तो वीआर ने इधर कितना एंगल बनाया, 45 प्लस अल्फा,
इधर यदि कंपोनेंट चाहिए होता तो हम क्या लिखते वी आर कॉस 45 प्लस अल्फा, इधर चाहिए इसलिए क्या लिखेंगे वी आर मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर वेक्टर साइन 45 प्लस अल्फा, ऐसे लिख लेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कितना होगा 10 बाय रूट 2 वी आर का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वी आर होगा 5 अपॉन साइन अल्फा, 5 अपॉन साइन अल्फा। अब इसके अलावा ये लिखा हुआ है इसको ओपन कर लेते हैं, साइन 45 1 बाय रूट 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो हो जाएगा ऐसा इंटू साइन अल्फा, ये साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको ओपन कर लिया, रूट टू ये कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 कैंसिल, साइन अल्फा का क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हुआ 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, फाइनली टेन अल्फा हो गया 1 के बराबर और इसलिए अल्फा हो गया 45। अभी अल्फा यदि 45 आपको मिल गया तो इसमें इसको सब्स्टिट्यूट करें, अल्फा की जगह 45 डालेंगे तो 1 बाय रूट 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आपको रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया, कितना है वो 5 रूट 2। आगे इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको वाई एक्सिस, वी आर का इधर कंपोनेंट है 5 और वी आर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वी आर जी चाहिए आपको, मान लो वी आर जी तो कैसे होगा वी आर कॉस अल्फा, वी आर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा अल्फा इज 45, अल्फा इज 45, वी आर का मैग्नीट्यूड है 5 रूट 2 और ये 1 बाय रूट 2 यानी ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी अब हम क्या लिख सकते हैं ये तो 5 है ही, ये भी इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 5 और यदि ये 5 है एक्स एक्सिस है ये वाई की नेगेटिव साइड है तो वी आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं वी आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं 5i - 5j, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप मैग्नीट्यूड आप ये बता देंगे 5 रूट 2 और यदि पूछा हुआ है कि किस डायरेक्शन में रेन फॉल होगा तो वर्टिकल से 45 डिग्री पर, तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको एक दो बार करके देखना चाहिए, इसी तरह की प्रॉब्लम एससी वर्मा में भी है सॉल्व एग्जाम्पल्स में, उसको भी देख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।